सिर्फ आसाम के लिए खास था, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है एनआरसी के बारे में एक और गलत धारणा यह है कि एनआरसी और मुस्लिम जोड़कर देखा जा रहा है, एनआरसी और मुस्लिम जोड़कर देखा जा रहा है। एनआरसी और मुस्लिम का कोई रिलेशन नहीं है, एनआरसी और सीए का मुस्लिम से रिलेशन है। आप समझिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का ताल्लुक मुसलमानों से है, लेकिन एनआरसी का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। एनआरसी का ताल्लुक भारतवर्ष में रहने वाले सारे जो जितने भी मानव हैं, सारे व्यक्ति जितने भी हैं, उनसे उसका ताल्लुक है। तो वो फिर हिंदू धर्म में हो, वो मुस्लिम धर्म से हो, वो सिख धर्म से हो, वो ईसाई धर्म से हो, वो जैन हो, वो बुद्ध हो, वो पारसी हो, या वो नास्तिक हो, वो आस्तिक हो, कोई भी हो, सबसे इसका रिलेशनशिप है, याद रखिए। तो एक और गलत धारणा क्या हो रही है, गलत फहमी फैलाई जा रही है, ये एक मिसकंसेप्शन है, एनआरसी इक्वल टू मुस्लिम्स, मतलब ये देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। एनआरसी याद रखिए अगर लागू होता है तो एक साथ लागू होगा, सारे भारतवासियों पे लागू होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो इसका मुस्लिम से भी कोई खास ताल्लुक नहीं। हाँ, सीएए के अंदर मुस्लिम्स को एक्सेप्शनल करार दिया गया है, वो बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसका ताल्लुक नहीं, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कानून भी السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔